एलत ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एलत का रास्ता भी मतलब जेरूसलम से जब हम लोग एलत आ रहे थे वो पूरा रास्ता इतना सीनिक था, क्या बढ़िया नजारा। एलत पे डिफरेंट वाटर स्पोर्ट भी होते हैं, बैठने का जो जगह दिए है वो मुझे काफी सही लग रहा है। तो ये है अभी जहाँ मैं बैठी हूँ। पहुंच गए हैं एलत। अभी है हम एलत पे, अभी जस्ट बस रुकी है, ये बस खड़ी है पीछे और लोकल टाइम हो रहा है 6:30 और बस का टाइमिंग भी था मतलब एक्सपेक्टेड टाइम था टू रीच 6:30, तो एग्जैक्टली इट हैज़ टेकन लाइक 4 hours 30 minutes एंड इन बिटवीन In the meantime, I was thinking that it might get late because there are some stop. The bus was running late, but it make up at the end and exactly the expected time it has reached. So, अभी चलेंगे हम होटल, उसके बाद जाएंगे सी बीच देखने। तो होटल हमारा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चलेंगे ही हम जा पाएंगे, जस्ट 10 minutes से दूर है। तो हम लोग अभी यहाँ से पैदल चल के होटल चलते हैं, वहाँ पर बैग रख के फिर निकलेंगे बीच के तरफ। एलत मुझे काफी सुंदर लग रहा है, उधर देखो पहाड़ दिख रहा है पूरा और ये बीच समुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफी सारे दुकान भी है यहाँ पे, ये सिटी एकदम एंड ऑफ इजराइल है। डेजर्ट में काफी बड़े बड़े मॉल्स भी है, हाँ यहाँ पे टैक्स फ्री दुकान है तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा सारी चीज। और हम लोग को अभी कुछ शॉपिंग तो करना नहीं है, पर आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप एलत से प्लान कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा होटल, यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट एंड पब्स भी है और उधर दिख रहा है माउंटेन व्यू और हम अभी जाएंगे बीच पे। तो आ गए हम होटल पे, ये है हमारा होटल का रूफटॉप। नाइस, yeah it's very nice. You see there this town is Jordan, is Aqaba. Okay, that town is and Aqaba. There the frontier and this way we don't see from here, but okay, this way the Gulf Aqaba like this and 10 minutes in taxi you are in Egypt. Egypt, 10 minutes, okay. Here 10 minutes here. Okay, and the restaurant where you can go by feet, yeah, it's in the middle. There. Okay. You ask, there is a bridge and after all the restaurants there. Okay. One is a fish. And Saudi is also near. Ah, Saudi, yes, of course. This way is Egypt. Yeah. But if, because from here we don't see because this building, but yes, there in the middle, you see, we see Jordan. Yeah. Okay. And me, I go to the roof there with my wife, yeah, and we see Saudi. Okay. You see Saudi in the middle. Hmm. Saudi here in the middle. Egypt here. And okay, you got it. There. Okay, so that side is Saudi. That side is Egypt, and that side is Jordan. And this is the rooftop, which is looking really nice. This is our hotel rooftop, and here you can see. Good sitting arrangement. And he is our host. He is very friendly. तो होटल जाके फ्रेश होकर फिर आ गए हम लोग बीच पे। तो बीच अभी तक पहुंचे नहीं, ये हम शॉपिंग मॉल हमारे ऑपोजिट साइड में जो दिखे थे शॉपिंग मॉल, और अभी जा रहे हैं बीच के तरफ। उसी बीच पे आपको दिखाते हैं कि क्या नजारा दिखता है यहाँ से इस तरफ आते ही।
ये देखो इधर बाहर है और ये समंदर है। ये एक्चुअली गल्फ ऑफ अकाबा है जो कि रेड सी का पार्टी है, मतलब रेड सी अकाबा के अंदर घुस के, अकाबा मतलब जॉर्डन साइड पे जो सिटी है वो, जो दैट साइड इज अकाबा। अकाबा हम लोग कल जाएंगे, तो जॉर्डन साइड का जो सिटी है उसके नाम से ही ये है, जो नाम है गल्फ ऑफ अकाबा और जो एक्चुअली है रेड सी का पार्ट। तो आप बोल सकते हो कि ये रेड सी ही है। और इधर देखो सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे एलाट बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और माहौल बहुत अच्छा है, मतलब हैपनिंग लग रहा है। अभी तो शाम हुआ भी नहीं, मतलब तो और भी हैपनिंग लगेगा शाम। ये हम आ गए अभी बीच पे और क्या बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अभी गर्मी तो है पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं कि आपको बहुत गर्मी लगी, अच्छा नहीं, फीलिंग बहुत अच्छा। एलत ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एलत का रास्ता भी, मतलब जेरूसलम से जब हम लोग एलत आ रहे थे वो पूरा रास्ता इतना सीनिक था, पूरा ड्राइव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है तो पता नहीं कितना आप लोगों को अच्छा लगा, पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वो ड्राइव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए एक्चुअली हमेशा से ये है कि मुझे सफ़र ज़्यादा पसंद है मंजिल से। वो गाना है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वो लाइन मुझे इतना पसंद है। वो एक्चुअली मैं मानती हूँ कि मुझे ना सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं थोड़ी ड्राइव कर पाती तो और भी अच्छा लगता। मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं एक बार दिन सुबह निकल जाऊँ और पूरा सीधी ड्राइव पर चलती रहूँ। मुझे गाड़ी में जितना भी आप बोल दो मैं 16-17 घंटा एक दिन में चला लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइव करना, और ऐसे ड्राइव करना जबकि सीनिक के बीच में, वहाँ पे सिटी ड्राइव बोलोगे तो कैसे अच्छा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगता, पर ऐसे सीनिक के बीच में चलते चलते जाओ और देखते जाओ और ज़िंदगी का मज़ा लेते जाओ, और इतना अपना जो धरती है उसका जो नेचर का जो हिडन ट्रेजर है उसको देखते जाओ, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी ये बता देती हूँ आपको, वो जो साइड है वो है अकाबा जो कि जॉर्डन में है। वो जो दूर का माउंटेन दिख रहा है पूरा धुंधला धुंधला सा, वो है सऊदी। और इधर जो पीछे और भी पीछे धुंधला सा माउंटेन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वो है इजिप्ट। तो यहाँ से 3 बॉर्डर आपको दिखता है। और ये है वो जो मार्केट, और यहाँ पे सुंदर से लाइट्स बेस लगे हुए हैं तो दिखने में अच्छा लग रहा है। कभी राइड्स भी है, ये सारे राइड्स है, मेला टाइप का लग रहा है, इंडिया में होता है ना मेला इस टाइप का लग रहा है। तो यहाँ हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए, बीच साइड रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने सर्च किया है कि सी फूड अच्छा मिलता है।
दोस्तों को आज सी फूड खाने का शौक चढ़ा है, तो देखते हैं कैसा है। ये देखो बैठने का जो जगह दिए है वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट ना काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दाम तो बहुत ज़्यादा होगा, इज़राइल में सारी चीज़ बहुत महंगी है, तो आई एम श्योर कि ये रेस्टोरेंट का मतलब प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा होगा, पर ठीक है अभी आए हैं तो थोड़ा एंजॉय कर ही लेते हैं। अच्छा सर, सुबह में हम लोग वो एक एक प्लेट का था वो फ्राइड राइस जो लिए थे चाइनीज वाला, वो 54 शेकल का था, दैट मीन्स अराउंड 16 यूरोज को इंडियन रेंज में कन्वर्ट करोगे तो 1300 रुपीज़ आ रहा है, तो वैसे ही है, तो इधर में सारा कुछ महंगा ही है। तो ये है अभी जहाँ मैं बैठी हूँ, ये रेस्टोरेंट है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बीच साइड पे पूरा है और सामने देखो आप वैसे ही है, हम लोग उसमें नहीं बैठे क्योंकि ये ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है, तो इसमें बैठ रहे हैं। माहौल बहुत ही अच्छा है माहौल, और ऑर्डर किए हैं सी फूड, देखते हैं कि कैसा होता है वो। डिनर करके हम लोग निकल गए और भीड़ देखिए अभी भीड़ बढ़ रहा है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम लोग जाएंगे जॉर्डन, तो जॉर्डन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज कल हम लोग लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन जाएंगे, देखेंगे कि कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। Comment and don't forget to subscribe. Thank you so much. See you in the next video.